नमस्कार, स्वागत है आपका भूगोल रिपोर्ट चैनल में। मैं हूँ कमलेश सैनी और मैं यहाँ पर आई हूँ कुछ इनके घर, ग्रामीणों घर पर, और इनकी कुछ परेशानी है, समस्या है, और इनसे पूछ रही हूँ क्या दिक्कत, क्या परेशानी है आपको। नमस्ते मैडम, मेरा नाम मोहम्मद हारून है और अप्रैल 14 अप्रैल 2023 को मुझे दो लोग हमारे यहाँ चांदपुर के रहने वाले हैं, इन्होंने विदेश भेजने के नाम पे मुझे कागज दे दिए, नकली डुप्लीकेट कागज दे दिए और 4 लाख रुपए मुझसे ले लिए। मुझे एयरपोर्ट भेज दिया गया दिल्ली। वहां जाकर के जब मेरे कागजों की चेकिंग हुई तो पता लगा ये सब नकली है, डुप्लीकेट है। एयरपोर्ट की पुलिस ने मुझे पकड़ लिया, वहां पे बिठा लिया। पूरी रात मुझे अपने पास उन्होंने बिठाए रखा, लेकिन सारी जानकारी करने के बाद उन्होंने मुझे सुबह 6-7 बजे छोड़ दिया। मैं घर वापस आ गया, जैसे तैसे करके अपने घर पहुंचा। घर पहुंचने के बाद इन लोगों को मैंने ढूंढा, ढूंढ के इनसे मैंने बात करी, पता निकाला भाई आपने ऐसा क्यों किया मेरे साथ, तो मेरा पैसा जो है वो वापस करा जाए। तो ये आजकल आजकल करते रहे और आजकल करते करते इन्होंने पूरे 1.5 साल निकाल दिया। हाँ, ये बहुत ज्यादा परेशानी है। ये है कि हम कहना चाहेंगे कि इनको इंसाफ मिलना चाहिए, इनका पैसा इनको वापसी मिलना चाहिए, और हम इनसे कुछ सवाल और पूछना चाह रहे हैं, बताओ आओ। मैंने इसके लिए काफी जो है प्रयत्न करे, काफी लोगों के पास गया और मैंने इस संबंध में जो है उनका 20 महीने इंतजार करने के बाद फिर मैंने थाने में इनकी रिपोर्ट दर्ज कराई। और रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद भी आज 3 महीने हो गए, लेकिन थाने वालों ने भी या पुलिस ने मेरे लिए कोई कार्रवाई नहीं करी। मुझे लगता है ये पक्ष उनसे, थाने वालों से, पुलिस वालों से जाकर के मिल गया और इन्होंने उनको भी कुछ ना कुछ दे दिया। पिछले 3 महीने से मैं डेली थाने के चक्कर लगा रहा हूँ, मगर मैं जब भी जाता हूँ तो हमारा कस्बा इंचार्ज मुझे कोई ना कोई बहाना बना करके कभी मेरी एप्लीकेशन खो देते हैं, कभी कोई विषय में मतलब टलका देते हैं मेरे को बार बार, लेकिन कुछ गौर नहीं करा जा रहा। मैंने मुख्यमंत्री जी को भी लिखा, मैंने एसपी साहब बिजनौर को भी चिट्ठी पोस्ट करी, लेकिन वहां से भी कोई आश्वासन मुझे नहीं मिला। मैं बहुत परेशान हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरी समस्या का हल करा जाए। मैं ब्याज का पैसा मैं भरते भरते परेशान हो गया और ये लोग मेरे को फोन फोन पे धमकियां दिला रहे हैं लोगों से। एक का नाम इमरान है, इमरान मलिक, ये चांदपुर मोहल्ला काजी साहब जान का रहने वाला है, डॉक्टर लाखन पाल जी के पीछे के। और इनका एक दूसरा साथी है गांव सफदरपुर तेली का है, जो जो ब्लॉक रोड पे है गांव। जी हाँ, ये ब्लॉक रोड सफदरपुर का है मैडम। और ये सब लोग अब पैसा तो क्या देंगे, और मेरे को और उसे धमकी और दे रहा है फोन पे, तो पैसे लेगा, पैसे चाहिए या जिंदा रहना चाहता है, इस तरह की धमकी मुझे दे रहा है। मैं थाने भी कई बार हो गया है, लेकिन थाने वाले भी मेरे, पुलिस वाले कोई मेरी वो नहीं कर रहा है, पूछ नहीं पड़ रहा है। अब मैं क्या करूं इस विषय में, मैं चाहता हूं कि आप लोगों के माध्यम से मेरा एक काम होना चाहिए और मुझे इंसाफ मिलना चाहिए। बताइए मैं क्या करूं। इंसाफ मिलना चाहिए, इनका पैसा वापसी होना चाहिए।